वन विभाग अपने विभागीय अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेगा, जिसके संबंध में DFO अविनाश कुमार ने बताया कि जनपद में 4 रेंज हैं जहां पर जंगल स्थित है तथा हर रेंज के अंतर्गत 3 से 4 सेक्शन होते हैं। उन्होंने कहा हर सेक्शन के अंतर्गत जो मुख्य वन अपराधी या तस्कर है उनका आपराधिक हिस्ट्री खंगाला जा रहा है, जिनकी सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले स्तर के अपराधियों का उनके आपराधिक इतिहास और सक्रियता के आधार पर सूची बनाई जा रही है। उनके ऊपर वन माफिया और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा वन तस्करी को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा जो लोग वन तस्करी करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO अविनाश कुमार ने कहा देखिए इसके लिए अपने यहाँ जो 4 टेरिटोरियल रेंजेस हैं जहाँ पर जंगल स्थित है वहाँ पर हर सेक्शन में हर रेंज के अंतर्गत तकरीबन 3 से 4 सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन अंतर्गत जो 3 प्रमुख अपराधी हैं उनका केस हिस्ट्री बनाकर और उस पर किस स्तर पर कार्रवाई चल रही है ये बनाकर भेजने को बोला गया है। इसे पूरे जिले स्तर पर जितने भी वन अपराधी हैं केसेस के आधार पर और उनकी सक्रियता के आधार पर उनकी सूची बनाई जा रही है और उनको वन माफिया एवं गैंगस्टर के अंदर बुक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और सर जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करने वाले हैं देखिए अभी ऑलरेडी हम लोग काफ़ी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं गोरखपुर जिले में भी महाराजगंज जिले में भी, और उसके लिए आधुनिक तकनीक भी अपने स्टाफ को दी जा रही है जिससे वो वन सुरक्षा के लिए सुचारू रूप से कदम उठा सकें। जो भी इस पे वन अपराध की ओर अग्रसर रहेगा उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।